हम में से अधिकांश लोग कार्तवीर्यार्जुन के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि उनकी 1000 भुजाएं थीं और वे एक खलनायक थे जिनके वध हेतु भगवान विष्णु को परशुराम जी के रूप में अवतार लेना पड़ा था। आज हम आपको बताएंगे कि वास्तव में कार्तवीर्यार्जुन कितने शक्तिशाली थे, कैसे उनमें इतना बल आया और उनके जीवन से जुड़े एक एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अध्यात्म गुरु YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। है वंश में एक महान राजा कीर्तवीर्य हुए जिनका विवाह इक्ष्वाकु वंशीय राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी से हुआ था। राजा कृतवीर्य और महारानी पद्मिनी का पुत्र अर्जुन हुआ जो कार्तवीर्यार्जुन के नाम विख्यात हुए। नारद पुराण अध्याय 76 के अनुसार कीर्तवीर्य अर्जुन सुदर्शन चक्र के अवतार थे। ब्रह्मांड पुराण उपोदघतपद के अनुसार कीर्तवीर्य अर्जुन को महिष्मति पर राज्य करते हुए कुछ समय बीत गया था तो एक समय देवराशि नारद जी वहां पधारे। राजा ने हृदय से यथोचित उनका स्वागत किया और उनसे मोक्ष और दिव्य आनंद का मार्ग बतलाने के लिए निवेदन किया। नारद जी ने तब महाराज सहस्त्रबाहु को भद्रदीप प्रतिष्ठा यज्ञ का धार्मिक आयोजन करने के लिए उपदेश दिया था। महाराज कीर्तवीर्य अर्जुन ने अपनी महारानी के साथ नर्मदा तट पर विधिवत भद्रदीप्ति प्रतिष्ठा यज्ञ का धार्मिक आयोजन किया। यज्ञ के समापन के पश्चात राजा के गुरु भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हुए और राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। वहीं हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व अध्याय 33 के अनुसार कीर्तवीर्य अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या कर दत्तात्रेय जी की आराधना की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने अर्जुन को वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने 4 वर मांगे थे। पहला, युद्धरत होने पर मेरी सहस्त्र भुजाएं हो जाएं। दूसरा वर यह था कि यदि कभी मैं अधर्म कार्य में प्रवृत्त हो जाऊं तो वहां साधु पुरुष आकर मुझे रोक दें। तीसरा, मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीतकर धर्म का पालन करते हुए प्रजा को प्रसन्न रखूं। और चौथा वर इस प्रकार था, मैं बहुत से संग्राम करके सहस्त्र शत्रुओं को मौत के घाट उतार कर संग्राम के मध्य अपने से अधिक शक्तिशाली द्वारा वध को प्राप्त हों। इन 4 वरदान के फल स्वरूप युद्ध की कल्पना मात्र से अर्जुन के 1,000 भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। उनके बल पर उन्होंने सहस्त्रों शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर समुद्र और नगरों सहित पृथ्वी को युद्ध के द्वारा जीत लिया था। संसार का कोई भी सम्राट पराक्रम, विजय, यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र, ज्ञान आदि गुणों में कीर्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता था। वे यज्ञों और खेतों की रक्षा करते थे, अपने योग बल से मेघ बनकर आवश्यकता अनुसार वर्षा कर लेते थे। वे 85,000 वर्षों तक सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट बने रहे। महाभारत के वन पर्व अध्याय 115 में अकृत वर्ण कीर्तवीर्य अर्जुन के बारे में युधिष्ठिर बताते हैं कि श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था और भूतल के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। महामना कीर्तवीर्य अर्जुन के रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से शक्ति संपन्न हुआ कार्तवीर्यार्जुन सब ओर घूमकर सदा यक्षों, देवताओं और ऋषियों को रौंदता फिरता था। एक शक्तिशाली है राज ने दिव्य विमान द्वारा शचि के साथ क्रीड़ा करते हुए देवराज इंद्र पर आक्रमण किया। तब भगवान विष्णु ने कार्तवीर्यार्जुन के नाश करने के संबंध में विचार विमर्श किया। विष्णु जी के ही लीला से जमदग्नि जी को पुत्र प्राप्ति हुई जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक थे। महातेजस्वी अर्जुन ने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी महिष्मतिपुरी में मनुष्यों के बीच बसाया था। एक और कथा के अनुसार कार्तवीर्यार्जुन ने करकोटक नाग को पराजित कर उसकी नगरी माहिष्मति को अपनी राजधानी बना लिया था। एक समय रावण अपने वरदान के मध्य में चूर होकर महिष्मतिपुरी में पहुंचा और वहां रावण ने अर्जुन के कितने ही मंत्रियों को मार डाला। कीर्तवीर्य अर्जुन क्रोधित हो गए और रावण से युद्ध करने व स्वयं आ गए। अर्जुन से लड़ने रावण के अनुयायी प्रहस्त, मारीच, शुक और सारण, महोदर आदि आए, परंतु अर्जुन ने उन सभी को अपनी गधा के प्रहार से ही चित्त कर दिया। इसके उपरांत रावण गदा लेकर आया और उन दोनों में भीषण गदा युद्ध आरंभ हो गया।
फिर अर्जुन ने अपना समस्त शारीरिक बल लगाकर रावण की छाती पर प्रहार किया। वरदान के कारण उसकी छाती तो टूट गई, परंतु वह मरा नहीं। तब अर्जुन ने देखा कि रावण चोट के मारे विकल हो रहा है, तब झपटकर अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन ने अपनी हजार भुजाओं से रावण को पकड़कर बांध लिया था और उसी प्रकार रावण को बंदी बनाकर अपनी राजधानी पहुंचा। तब महर्षि पुलस्त्य ने स्वयं आकर कीर्तवीर्य अर्जुन से उसे छोड़ देने का निवेदन किया था। एक दिन की बात है, भूखे प्यासे अग्निदेव ने राजा कीर्तवीर्य अर्जुन से भिक्षा मांगी, तब उस वीर राजा ने सातों द्वीप, नगर, गांव, गोष्ट तथा सारा राज्य अग्निदेव को भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे, समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उस अग्नि में वशिष्ठ जी का आश्रम भी भस्म हो गया। अपना आश्रम जलाए जाने पर वशिष्ठ जी ने अर्जुन को क्रोध पूर्वक श्राप देते हुए कहा कि तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना ना छोड़ा, इसीलिए तेरे द्वारा जो विश्व विजय आदि दुष्कर कर्म किया गया है, उसे दूसरा वीर तुझे पराजित करके नष्ट कर डालेगा। जमदग्नि के प्रतापी पुत्र महाबाहु परशुराम तेरा काल बनेंगे। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व अध्याय 29 और वन यात्रा पर्व अध्याय 116 के अनुसार, एक दिन राजा कीर्तवीर्य अर्जुन समुद्र के किनारे विचर रहा था। वहां उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन बोला, समुद्र, यदि कहीं मेरे समान वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बता दो। समुद्र ने कहा, राजन, यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ, उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा अच्छी तरह से सत्कार कर सकते हैं। तदंतर राजा कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के से उन्मत्त हो रहा था, उसने उस सत्कार को आदर पूर्वक ग्रहण नहीं किया, उल्टे मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय जमदग्नि के सभी पुत्र आश्रम में नहीं थे। आश्रम में आने पर आर्ष पत्नी रेणुका ने उनका यथोचित सत्कार किया। कीर्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था, उसने उस सत्कार को आदर पूर्वक ग्रहण नहीं किया, उल्टे मुनि के आश्रम तहस नहस करके वहां से टकराती हुई कामधेनु के बछड़े को बलपूर्वक हर लिया और आश्रम के बड़े बड़े वृक्षों को भी तोड़ डाला। जब परशुराम जी आश्रम में आए तब स्वयं जमदग्नि ने उनसे सारी बातें कही। बारंबार टकराती हुई कामधेनु पर उनकी दृष्टि पड़ी, इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और काल के वशीभूत हुए कार्तवीर्यार्जुन पर धावा बोल दिया और अपने फरसे से उसकी हजारों भुजाओं को काटकर उसका वध कर दिया। हालांकि ब्रह्मांड पुराण में यह कथा थोड़ी पृथक है। इसके अनुसार राजा कीर्तवीर्य अर्जुन शिकार खेलते हुए जमदग्नि जी के आश्रम पर जा पहुंचे थे। आर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो जमदग्नि की सभी इच्छाएं पूर्ण करती थी। उसकी सहायता से ऋषि जमदग्नि ने सहस्त्र बाहु और उसके सैनिकों का राजसी स्वागत किया। केवल उनकी इच्छा मात्र से कामधेनु ने बात ही बात में पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। उस महान गौ का ऐसा चमत्कार देख दैव योग से सहस्त्र अर्जुन के मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उसने अपनी इच्छा महर्षि जमदग्नि से कही तो उन्होंने नम्रता पूर्वक उन्हें मना कर दिया। बस यही बात सहस्त्रार्जुन के अभिमान को ठेस पहुंच गई और वह बलपूर्वक ही काम धेनु को अपने साथ ले गया। उसकी सेना ने महर्षि जमदग्नि का आश्रम भी तहस नहस कर दिया। तब परशुराम जी ने आश्रम और अपने पिता की वैसी स्थिति देख राजा पर आक्रमण कर उनका वध कर दिया था। हालांकि कार्तवीर्य अर्जुन परशुराम जी से इतनी सरलता से नहीं मारे गए थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड अध्याय 40 में उन दोनों के युद्ध को विस्तार से बताया गया है। महाबली कीर्तवीर्य अर्जुन दो अक्षौणी से के साथ रण के मुहाने पर डटकर खड़ा हो गया। इसके बाद वहां दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। तब परशुराम जी के शिष्य और उनके महाबली भाई कीर्तवीर्य अर्जुन से पीड़ित होकर भाग खड़े हुए। उस समय उनके सारे अंग घायल हो गए थे। राजा के बाण समूह से आच्छादित होने के कारण परशुराम जी को अपनी तथा राजा की सेना ही नहीं दिख रही थी। फिर तो परस्पर घोर दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा। अंत में राजा ने दत्तात्रेय के दिए हुए अमोघ शूल को यथाविधि मंत्रों का पाठ करके परशुराम जी पर छोड़ दिया। उन सैकड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली शूल के लगते ही परशुराम जी धराशायी हो गए। तदंतर भगवान शिव ने वहां आकर
परशुराम जी को पुनर्जीवन दान दिया था। इसी समय वहां युद्ध स्थल में भगवान दत्तात्रेय शिष्य की रक्षा करने के लिए आ पहुंचे। फिर परशुराम जी ने क्रुद्ध होकर पाशुपतास्त्र हाथ में लिया, परंतु दत्तात्रेय जी की दृष्टि पड़ने से वे रणभूमि में स्तंभित हो गए। इसी समय वहां ऐसी आकाशवाणी हुई, दत्तात्रेय द्वारा दिया हुआ परमात्मा श्री कृष्ण कवच उत्तम रत्न की गुटिका के साथ राजा की दाहिनी भुजा पर बंधा हुआ है। अतः योगियों के गुरु शंकर भिक्षा रूप से जब उस कवच को मांग लेंगे, तभी परशुराम राजा का वध करने में समर्थ हो सकेंगे। उस आकाशवाणी को सुनकर भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और राजा से याचना करके उसका कवच मांग लाए। फिर शंभु ने श्री कृष्ण का वह कवच परशुराम जी को दे दिया। इसके बाद देवगण अपने अपने उत्तम स्थानों को चले गए। तब परशुराम ने राजा को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहा, राजेंद्र उठो और साहसपूर्वक युद्ध करो, क्योंकि मनुष्यों की जय पराजय में काल ही कारण है। तुमने विधिपूर्वक शास्त्रों का अध्ययन किया है, इस समय मुझे मूर्छित कर दिया है, सभी राजाओं को जीत लिया है, लीला पूर्वक रावण को काबू में कर लिया है और दत्तात्रेय द्वारा दिए गए त्रिशूल से मुझे पराजित कर दिया है, परंतु शंकर जी ने मुझे पुनः जीवित कर दिया। तदंतर कीर्तवीर्य ने मुस्कुराते हुए परशुराम जी को नमस्कार किया और शीघ्र ही बाण सहित धनुष हाथ में लेकर वह रथ पर जा बैठा। तत्पश्चात परशुराम जी ने श्री हरि का स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा राजा की सेना का सफाया कर दिया। फिर लीला पूर्वक पाशुपतास्त्र का प्रयोग करके राजा की जीवन लीला समाप्त कर दिया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।